हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आ गई हूँ और एक दुर्गा पूजा लुक लेके, जो है अष्टमी लुक। इज़ वेरी इजी, गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल लुक। इसे क्रिएट करना काफ़ी इजी है। तो चलिए बिना लेट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ नायका प्रेप मी अप मेकअप प्राइमर। इसे मैं अपने टी जोन को फोकस करते हुए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टी जोन पे ही ओपन पोर्स ज़्यादा है। तो उसके बाद इसे मैं पूरे फेस में और नेक में भी अप्लाई कर ले रही हूँ। अब मैं एक डार्क कलर का कंसीलर लेके मेरे अंडर आइज पे एंड मेरे फेस में जहाँ भी थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट है उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे जो डार्क स्पॉट है वो कैंसिल आउट होता है। ऐसे मैं थोड़ा सा अपने आईलिड में भी अप्लाई कर ले रही हूँ। अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अब मैं नायका स्किन जीनियस फाउंडेशन ले रही हूँ। इसे अपने पम में ले के अच्छे से ब्लेंड करके इसके बाद डॉट डॉट करके अपने फेस में अप्लाई कर रही हूँ। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन को हेयर लाइंस पे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है एंड अपने ईयर्स पे और नेक पे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। अब स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर लेके फेस के हाइस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी, जैसे अंडर आइज, चीक बोन्स, फॉरहेड, नोज एंड आई लिड में भी अप्लाई कर रही हूँ एज ए आई शैडो बेस। एंड सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। गाइस, आप अगर सस्ते में कोई अच्छा कंसीलर चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा कंसीलर है। देन स्टेक विक के लूज पाउडर से अपने पूरे मेकअप को मैं सेट करूँगी। उससे पहले डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी क्रीज ना रह जाए। अब मैं पाउडर को 2 मिनट के लिए फेस में बेक होने के लिए रखूँगी। नेक्स्ट फेसेस कैनेडा कॉम्पैक्ट एक फ्लफी ब्रश में लेकर मैं अपने आईज़ के ऊपर जो पाउडर बेक होने के लिए रखी थी उसे डस्ट आउट कर दूंगी आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले। देन स्टेक विकी आई लव यू 2 काजल लेके आईज़ के अपर वाटर लाइन पे एक थिक काजल ड्रॉ करूंगी एंड सेम काजल को अपने लैश लाइन के क्लोज एज ए आईलाइनर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन एक फ्लैट ब्रश से इसे अच्छे तरीके से स्मज कर दूंगी, इससे एक स्मोकी आईलाइनर का शेप आ जाएगा। अब हिलारी रोडा आई शैडो पैलेट से ये रेड कलर को मैं पिक कर रही हूँ। इसे मैं अपने आईज़ के क्रीज से लेके आउटर भी तक अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। देन इसे ब्लेंड करते करते आईज़ के मिडिल तक लाऊँगी। मेरा आउटफिट रेड एंड ब्लैक में है, इसके वजह से मैं यहाँ रेड एंड ब्लैक को यूज़ कर रही हूँ। आपका आउटफिट जिस भी कलर का है उसी कलर से ये आई लुक को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक गोल्डन कलर ले रही हूँ, इसे लेके आईज़ के इनर कॉर्नर से लेके मिडिल तक अप्लाई करूँगी अपने फिंगर की हेल्प से। देन सेम फ्लफी ब्रश लेके मैं अपने क्रीज में अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रह जाए, आई मेकअप ब्लेंडेबल दिखे। अब सेम स्टेक वे की काजल को मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश से इसे स्मच कर दे रही हूँ। आई मेकअप मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, इसके वजह से वेट एंड वाइल्ड रोज़ इन द ईयर पैलेट से ये कॉपरी ब्राउन शेड को मैं अपने क्रीज लाइन से थोड़ा ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आई मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं सेम कॉम्पैक्ट पाउडर को एक फ्लफी ब्रश में लेके मैं अपने पूरे फेस में अप्लाई कर रही हूँ। साथ में मेरे फेस में जो मैंने बेकिंग करके रखा था उसको भी हटा ले रही हूँ। मैं अपने नेक में भी अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ इसे। अब एक स्पूली के मदद से मैं अपने आईब्रो को कॉम्ब कर ले रही हूँ। अब ब्लू हेवन आईब्रो पेंसिल से मैं अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। ऐसे मेरा आईब्रो बहुत डार्क है तो बहुत ज़्यादा मुझे फिल नहीं करना पड़ता है, मैं थोड़ा थोड़ा बस इसे फिल कर ले रही हूँ जहाँ भी गैप है उसे। स्पूली से मैं फिर से कॉम्ब कर रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हट जाए। अब आईलैश कलर से मैं अपने आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर ले रही हूँ। अब फेसेस कैनेडा मैग्नेटाइज मस्कारा को लेके जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं पहले हटा ले रही हूँ, अब अपने आईलैश में अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा मस्कारा यूज़ करने से पहले जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हटा लेना चाहिए, नहीं तो आई मेकअप जो है ख़राब हो सकता है। ऑफ कैमरा मैंने आईलैशेस अप्लाई कर लिया है। ओके, नेक्स्ट मेवलिन वी फेस ब्लश कॉन्टोर पैलेट से ये कॉन्टोर सेट लेके अपने पूरे फेस को मैं कॉन्टोर कर लूँगी, अपनी चीक्स बोन्स को, फॉरहेड को, नोज़ को, जॉ लाइंस को अच्छे तरीके से मैं कॉन्टोर कर ले रही हूँ। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताओ ताकि मैं मेरा मेकअप जो है और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। सेम पैलेट से मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया। अब मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर लेके मैं अपने फेस के हाइस्ट पॉइंट में अप्लाई करूँगी, चीक बोन्स, नोज, फॉरहेड, आईब्रो बोन्स, क्यूपिड बो एंड चिन। मैं अपने कॉलर बोन पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं जब मूव करूँ तो कॉलर बोन भी मेरा चमके।
एंड गाइस इसके बाद और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाला है, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप देख पाएँ। एंड ये लुक भी कैसा लगा मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स करके बताइएगा ताकि मैं आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो ला पाऊँ। ओके, अब सेम हाइलाइटर को मैं अपने आइज़ के इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर रही हूँ। देन फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो मेकअप फिक्सर से मैं अपने पूरे मेकअप को लॉक कर रही हूँ। नेक्स्ट इनसाइड लॉन्ग वेयर लिप ग्लॉस से अपने लिप्स को फिल कर ले रही हूँ। मैंने मेकअप काफ़ी सॉफ्ट रखा है इसकी वजह से लिप्स थोड़ा ग्लोई रख रही हूँ। सो गाइस ये था आज का फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ यूज़ की हूँ सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।